नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अशोक में। प्राचीन इतिहास काल की सीरीज़ का आज ये तीसरा लेक्चर है और आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, हमने पहले भी बताया था कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जिसमें से ये पहला कालखंड है प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, ये सभ्यता का वो समय था जब मानव को लिखने और पढ़ने का ज्ञान नहीं था। इतिहासकार जब इस काल अवधि का इतिहास लिखता है तो वह पुरातात्विक स्रोतों पर आश्रित हो जाता है। इस काल का मानव मुख्यतः पत्थरों पर आधारित था, अतः इसे पाषाण काल भी कहते हैं। दोस्तों, पाषाण काल को भी तीन भागों में बांट के हम पढ़ेंगे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। दोस्तों, पाषाण काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय मनुष्य पशुओं का शिकार करता था तथा खाद्य पदार्थों का संग्रह करता था। पाषाण काल में मानव पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, उसे लेखन कला का ज्ञान नहीं था। दोस्तों, इस काल में मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, जिनमें हिमयुग, मानवों का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों में विस्तार, आग का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, कुत्तों और अन्य जानवरों को पालतू बनाना इत्यादि शामिल हैं। इस काल में पहिए का आविष्कार पहला वैज्ञानिक आविष्कार था। दोस्तों, पत्थरों के प्रयोग और जलवायु परिवर्तन के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। दोस्तों, निम्न पूरा पाषाण काल में जो संस्कृति प्रसिद्ध हुई या विकसित हुई उसका नाम है चापर चांपिंग और हैंड एक्स। दोस्तों, ये चापर चांपिंग संस्कृति जो है इस सोहन घाटी पाकिस्तान से हमें इसके उपकरण प्राप्त हुए हैं सबसे पहले, तो इसलिए इसे हम सोहन घाटी संस्कृति भी कहते हैं। दोस्तों, चापर चांपिंग एक प्रकार के इनके पत्थरों के इस्तेमाल करने के टुकड़े थे। शिकार के लिए ये जो जिस किस्म के पत्थर यूज़ करते थे उसे कहा जाता है। ये पत्थर के ऐसे टुकड़े होते थे जिसमें किनारे पानी के बहाव से रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे और ये गोल मटोल आकृति के होते थे। इसके बाद है हैंड एक्स संस्कृति। दोस्तों, ये मद्रास में सर्वप्रथम विकसित हुई, इसलिए इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। इस काल का जो प्रमुख स्थल है वो भीम बेट का है जो मध्य प्रदेश में है, और 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स मिला, और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। दोस्तों, ये संस्कृति निम्न पूरा पाषाण काल से मध्य पूरा पाषाण काल में विकसित होगी, मध्य पूरा पाषाण काल से उच्च पूरा पाषाण काल में और विकसित होती जाएगी। मध्य पूरा पाषाण की यदि हम बात करें तो इसकी संस्कृति थी फलक संस्कृति, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि फलक संस्कृति निम्न में से किस काल की संस्कृति है, तो ये मध्य पूरा पाषाण काल की संस्कृति है। दोस्तों, इसमें हथियारों का और विकास हुआ, और जो इनके औजार थे शिकार करने के उसमें डबल साइडेड धार बनाने लगे, ये पत्थर के औजारों में जैसे इस प्रकार ये बनाने लगे, ऐसे करके डबल साइडेड धार, यहाँ भी धार और यहाँ भी धार, दोनों साइडों से, यहाँ भी यहाँ भी, और बाद में ये और विकास करते रहेंगे। और इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाना स्टार्ट हुआ, श्रृंगार साधनों का प्रयोग हुआ। इसके बाद आएगा उच्च पूरा पाषाण काल, इसमें होमो सेपियंस का उदय हुआ जिसको हम आधुनिक मानव कहते हैं। आग का आविष्कार भी इसी काल में हुआ, और लेकिन आग का प्रयोग की यदि हम बात करें तो उसका प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार उच्च पूरा पाषाण काल और आग का प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ है। दोस्तों, अगला है हमारा मध्य पाषाण काल, इसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक। इसको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल के जो औजार थे वो बहुत छोटे हुआ करते थे। इसकी सर्वप्रथम जानकारी हमको सीएल कार्लाइल ने दी 1867 ईस्वी में। इस काल में भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल जो था वो राजस्थान का बोगौर है। भारत में मानव अस्थि पंजर इसी काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त हुए नर्मदा घाटी क्षेत्र में। पशुपालन की शुरुआत यहीं से होती है, और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ जो MP में है, होशंगाबाद, वहाँ से प्राप्त होगा। UP से प्राप्त स्थल सरायनाहर राय और मेहदहा ये प्रमुख स्थल हैं। गैरिक मृदभांड पात्र के साक्ष्य हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से हमको प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये मृदभांड के आधार पर संस्कृति की बात कर रहे हैं हम, गैरिक मृदभांड पात्र OCP। इसके बाद चित्रित दूसरा मृदभांड आएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों नवपाषाण काल।
इस काल के लोग शुरू से ही गेहूं और जौ उपजाते थे। वे प्रारंभिक चरण में गाय, भेड़ और बकरी पालते थे। शुरू में बकरियों की संख्या ज़्यादा रही होगी, लेकिन बाद में गायों की संख्या बकरियों और भेड़ों दोनों से अधिक हो गई। इससे पता चलता है कि कृषि को लाभ पहुंचा होगा। दोस्तों, इस काल में मिट्टी के बर्तनों की संख्या तेज़ी से बढ़ी और उस पर चित्रकारी भी होने लगी। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे खास तौर से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, इस काल की खोज लॉ मसूरी ने 1860 ईस्वी में टोंस नदी घाटी में की। ये यमुना की सहायक नदी है। कृषि और पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ। इस काल के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो हमको साक्ष्य मिलता है वो मिलता है कोलडीहवा से, इलाहाबाद। ये 6500 BC के आसपास है। उसके बाद गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ से, पाकिस्तान में है, जो ये 7000 BC में। उसके बाद लहुरा देव यूपी से, संत कबीर नगर में है। ये 8000 से 9000 BC के। दोस्तों, यदि क्वेश्चन पेपर में आता है और उसमें कोलडीहवा ऑप्शन नहीं है तो मेहरगढ़ ही माना जाएगा सबसे प्राचीनतम। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण भी हमें मेहरगढ़ से ही मिलेंगे। भाई क्यों मिलेंगे? क्योंकि कृषि का आविष्कार हो गया था, अब लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं थी। अब लोग स्थायी रूप से एक जगह पर रहने भी लगे थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ है, जो धार्मिक कर्मकांड हेतु यूज होती थी। इसे खाया नहीं जाता था, लेकिन खाने की यदि हम बात करेंगे तो खाद्यान्न के रूप में प्रयुक्त अनाज गेहूँ कहलाएगा। अच्छा, नवपाषाण काल के कुछ स्थल हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछ लेता है। इसमें पहला है मेहरगढ़। ये राज्य बलूचिस्तान में है, जो पाकिस्तान में है। यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य भी हमको यहीं से मिले हैं, मेहरगढ़ से। बुर्जहोम कश्मीर, यहाँ से गर्तावास के प्रमाण मिले हैं, यानी कि गड्ढों में रह रहे थे लोग इसमें। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। अगला है चिरांद, ये बिहार में है। यहाँ अत्यधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं जो हिरणों के सींगों से निर्मित थे। अगला है गुफकराल, ये कश्मीर में है। यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी के औजार, धूसर मत भांड का प्रमाण मिला है, सिलबट्टा मिला है, हड्डी से निर्मित सुई मिली है। अगला है मेहदहा, ये यूपी में है, प्रतापगढ़। यहाँ से हमको मिले हैं गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान, जौ, पशुबाड़ा, हड्डी के उपकरण मिले हैं, आभूषण मिले हैं। चोपानी मांडो यूपी, यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ मिली हैं। ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण व हाथ से निर्मित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। अगला है संगनकल्लू, यहाँ से कर्नाटक में है। यहाँ से हमें मिला है राख का टीला, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अगला है पिकलीहल, कर्नाटक। यहाँ से राख के ढेर और निवास स्थल मिले हैं। दाऊजली, ये असम में है। यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा यूपी में है। यहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा काल आएगा वो आएगा ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। दोस्तों, इस संस्कृति को ताम्रपाषाणिक काल या ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में पत्थर और तांबे का प्रयोग एक साथ होता था। जो इन लोगों के औजार होते थे वो बहुत सूक्ष्म छोटे होते थे। दोस्तों, ताम्रपाषाण काल की कुछ बस्तियां हड़प्पा काल की भी हैं, तो कुछ हड़प्पा के बाद की ग्रामीण सभ्यता भी हैं, कुछ हड़प्पा के बाद की हैं। ये पहली ग्रामीण सभ्यता थी। सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु इसमें तांबा है। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है अतिरम्पक्कम मद्रास से, लगभग 5000 BC के आसपास। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में। इन बस्तियों की पहचान उनके मृदभांडों के आधार पर की जाती थी। सबसे उत्कृष्ट मृदभांड मालवा के हैं। दायमाबाद एवं इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। दोस्तों, ये महाराष्ट्र का इलाका है। मातृदेवी की पूजा इस काल में होती थी। कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 विशिष्ट प्रकार की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। दोस्तों, कायथा संस्कृति मैं अभी पढ़ाऊँगा, ये MP में है, MP के आसपास का क्षेत्र है। MP में कायथा और एरन तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियाँ किलाबंद थीं। गणेश्वर, जो राजस्थान में पड़ता है, हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था।
दोस्तों ये कुछ संस्कृतियां हैं इस काल की, ताम्रपाषाणिक काल की। आहार संस्कृति है, इसका क्षेत्र पड़ता है उदयपुर राजस्थान। कायथा संस्कृति है, ये चंबल नदी का क्षेत्र है। सावलदा संस्कृति महाराष्ट्र का धूलिया क्षेत्र है। प्रभास संस्कृति गुजरात का तटीय क्षेत्र है। मालवा संस्कृति नर्मदा नदी का क्षेत्र। रंगपुर संस्कृति गुजरात का तटीय क्षेत्र। जौरवे संस्कृति ये दायमाबाद और इनाम गाँव महाराष्ट्र। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवंती या तांबा वाला जगह है। आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र गिलुंद, ये राजस्थान, यहाँ से पकीटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। टेराकोटा का साक्ष्य हमको मिलेगा बालाथल से। आहार के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। जौरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल दायमाबाद, ये लगभग 20,000 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4,000 लोग रह सकते थे। दायमाबाद की ख्याति कांस्य की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए थी। जौरवे संस्कृति मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दफनाते थे। ये पूछा जाता है कि किधर दफनाते थे। सोने के आभूषण केवल जौरवे संस्कृति में ही प्रयुक्त किए गए थे। दोस्तों एक बात और कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये MP में है और ये संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।